हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? होप यू आर डूइंग वेल। सब अच्छा कर रहे हो? ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर क्या है? टुडेज अवर टॉपिक इज फूड। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फूड। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड। रेगुलर फूड खाते हैं हम कि नहीं खाते हैं? लेकिन कौन सा फूड? जंक फूड। हमारा फेवरेट फूड कौन सा होता है बच्चों? जंक फूड। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, इसमें हम क्या सीखेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। फूड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या होता है? गुड ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं? नीड ऑफ फूड, फूड की ज़रूरत क्यों होती है? एंड सोर्सेस ऑफ फूड, फूड हमें कैसे कैसे किन सोर्सेस से हमें फूड मिलता है। सो वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू। वी ईट एंड ड्रिंक मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल। हम बहुत सारी हम फ्रूट्स खाते हैं, ड्रिंक्स भी पीते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं। अनस्क्रैम्बल द फूड आइटम्स गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। इन पिक्चर की हेल्प से ये वर्ड्स जो है वो अनस्क्रैम्बल हैं, उल्टे सीधे हैं। इनको हमें अरेंज करना है और इनको लिखना है। सो सबसे पहले क्या है बच्चों? दीज आर एग्स। ये हमारे क्या है? एग्स। इन द सेकेंड इमेज क्या दिख रहा है बच्चों? एप्पल। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? एप्पल। थर्ड वन यहाँ पे क्या दिख रहा है? कैरेट। यहाँ पे कैरेट है। एंड द लास्ट वन इज पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। PULSES, pulses, pulses मतलब जितनी भी दालें होती हैं। Now we have different types of food, है ना? अलग अलग टाइप के फूड्स होते हैं। हमारा सब टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों हेल्दी फूड। हेल्दी फूड किसे कहते हैं? तो फूड इज अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट नीड क्या है? फूड, वाटर और क्लोथ। तो उसमें सबसे पहले हमारा फूड और वाटर है। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, मतलब हमें अपनी ग्रोथ के लिए भी और रहने लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए भी, जीवित रहने के लिए भी किसकी ज़रूरत है? फूड की। नहीं खाएंगे ज़्यादा दिनों तक तो क्या होगा? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम बहुत खेल सकें और साथ में अपना काम कर सकें। वी शुड ईट थ्री मील्स इन अ डे। हम जनरली थ्री मील्स खाते हैं दिन में। सबसे पहले सुबह उठते ही क्या होता है बच्चों? ब्रेकफास्ट। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, देन लंच इन द आफ्टरनून। दोपहर में हम क्या करते हैं? लंच करते हैं। एंड डिनर इन द इवनिंग, शाम को डिनर करते हैं। सो वी हैव थ्री मील्स इन अ डे। कौन कौन सी बच्चों? मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। देन क्या होता है? लंच। आफ्टर द लंच इन द इवनिंग वी हैव डिनर। स्नैक्स में भी टेकन इन बिटवीन द मील्स। और बीच बीच में भी अगर हमें भूख लगती है तो छोटा मोटा कुछ भी स्नैक्स हम खाते रहते हैं। वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। रोज हमें बहुत अच्छा से हेल्दी फूड खाना चाहिए, साथ में बहुत सारा पानी पीना चाहिए। टू लिव हेल्दी लाइफ, हमें हेल्दी लाइफ अगर जीनी है तो। नेक्स्ट, डू यू नो अ मील विथ ऑल काइंड ऑफ फूड इज इन द राइट अमाउंट इज अ हेल्दी मील। हेल्दी मील किसे कहेंगे बच्चों? जिसमें जो भी फूड है वो राइट अमाउंट में है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है, कोई चीज़ ज़्यादा ऑयली नहीं है, किसी में ज़्यादा मसाले नहीं है, सारी चीज़ें एक प्रॉपर क्वान्टिटी में अवेलेबल हों, प्रॉपरली अवेलेबल हों, उन्हीं को हेल्दी मील कहते हैं। फर्स्ट वी हैव जंक फूड। इंटरेस्टिंग ना, सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा जंक फूड। सब ने खाए होंगे कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सब ने पी होगी, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, है ना, सब ने खाए हैं। सो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा आर नोन एज जंक फूड। दीज आर जंक फूड। दे मे टेस्ट गुड, इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, टेस्टी, यमी, है ना, बट दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट्स से कौन से फूड मिलते हैं बच्चों? तो प्लांट गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल। प्लांट्स से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं और वेजिटेबल भी मिलते हैं। वी ऑल्सो गेट ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट। ये जो वीट वगैरह है ये ग्रेन्स बोलते हैं इन्हें। ये भी हमें किससे मिलते हैं बच्चों? प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। पल्सेस भी हमें प्लांट से मिलती हैं। लेडी फिंगर वेजिटेबल भी प्लांट से मिलती है। एप्पल एक फ्रूट है, ये भी प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से कौन सा फूड मिलता है? तो वी गेट मैनी फूड प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से भी हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट मिलता है। सबसे पहले मिल्क, मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, फिश और मीट, जो भी नॉन वेज खाते हैं वो भी हमें एनिमल से मिलता है। मिल्क मेक्स अस एनर्जेटिक एंड स्ट्रांग। अगर हमें स्ट्रांग बनना है तो मम्मी बोलती है ना रोज़ दूध पियो, तो हमें रोज़ दूध पीना चाहिए।
किस लिए, जिससे हम स्ट्रांग रहे। नेक्स्ट इज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन क्या होता है बच्चों? तो जो सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क कम्स अंडर वेजिटेरियन फूड। दालें, सारे फल फ्रूट्स मतलब, और जो भी हमारे ग्रेन्स वीट वगैरह, साथ में मिल्क, ये सारी चीज़ें और वेजिटेबल्स हमारे किस में आते हैं? वेजिटेरियन फूड में आते हैं। पीपल हु ईट वेजिटेरियन फूड आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो ये वाला खाना खाते हैं तो वो कौन कहलाएंगे बच्चों? वेजिटेरियंस कहलाएंगे। और मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा कम्स अंडर नॉन वेजिटेरियन फूड। जो मीट, फिश, एग खाते हैं वो क्या है? नॉन वेजिटेरियन फूड है। और जो लोग ये नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन वेजिटेरियंस बोलेंगे। सो पीपल हु ईट नॉन वेजिटेरियन फूड आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं। सम वेजिटेरियंस डू नॉट कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड एज वेल एज मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे भी वेजिटेरियंस होते हैं बच्चों, वेजिटेरियंस कौन? जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क खाते हैं। तो कुछ ऐसे भी वेजिटेरियंस होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं खाते हैं, साथ में दूध भी और उनके प्रोडक्ट्स को भी नहीं लेते हैं, उनको हम बोलते हैं वीगन्स, दे आर कॉल्ड वीगन्स। नाउ गुड ईटिंग हैबिट्स। अच्छी ईटिंग हैबिट्स कौन सी होती है? वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग ईच मील। खाने से पहले और बाद में हमें हैंड वॉश करना है। च्यू योर फूड वेल, खाने को अच्छे से चबा के खाना है। डू नॉट ईट अनकवर्ड और स्टेल फूड, जिस फूड से स्टेल मतलब सड़ गया है, बदबू आ रही है, साथ में जो अनकवर्ड है ढका हुआ नहीं है वो फूड हमें नहीं खाना चाहिए। ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड, हमें हमेशा फ्रेश और हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में कम से कम एक बार मॉर्निंग में और एक रात में सोने से पहले क्या करना चाहिए? ब्रश योर टीथ, हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। नाउ नीड ऑफ अ फूड, फूड की ज़रूरत क्यों होती है बच्चों? तो फूड इज़ वन ऑफ अवर बेसिक नीड, वी ईट फूड टू लिव एंड ग्रो बिग। हमें बड़ा होना है, लंबा होना है, सबको टॉल होना है ना, तो इन सब के लिए, ग्रोथ के लिए और लिव जीने के लिए है ना, हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, साथ में हमें बहुत खेलना भी है, खेलने के साथ साथ काम भी करना है, तो इसमें भी हमें क्या चाहिए? काम मतलब अपना होमवर्क करना है या नहीं करना है, तो भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी बच्चों? फूड से। नाउ डू यू नो चाउमिन, पिज़्ज़ा, बर्गर आर नोन एज जंक फूड। हमने पहले ही पढ़ा कि ये चाउमिन, पिज़्ज़ा, बर्गर जंक फूड है, और ये क्या है? दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। सो वी शुड नॉट हैव देम एवरी डे, हमें रोज इन्हें नहीं खाना चाहिए। नाउ वी हैव सोर्सेज ऑफ फूड, फूड हमें मिलते कहाँ कहाँ से हैं? तो वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, या तो हमें प्लांट से मिलेगा फूड या फिर एनिमल से मिलेगा। तो फूड फ्रॉम प्लांट, प्लांट से देखो हमें ग्रेप्स मिल गए, एप्पल, पपाया, बनाना, ये सब हमें किससे मिले बच्चों? प्लांट से मिले है ना। नाउ ये देखो कैरेट, पोटैटो, रेडिश, मूली है ना, टोमेटो, पल्सेस मतलब दालें, राइस, चावल, नट्स जो भी हम लोग खाते हैं रोज है ना, साथ में सीरियल्स, ये सब हमें किससे मिलते हैं बच्चों? प्लांट से मिलते हैं। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से क्या मिलता है? तो सबसे पहले तो सबको क्या पता है? मिल्क, मिल्क एनिमल से मिलता है। एग्स, मीट और फिश, ये सब हमें एनिमल्स से मिलता है। डू यू नो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कैसे बोलते हैं? अगर हम रोज एक एप्पल खाएंगे तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो हेल्दी फूड मतलब फूड दैट इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्दी फूड मतलब जो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सफिशियंट मतलब इनफ, जितना चाहिए उतना। वी नीड फूड टू लिव, हमें फूड क्यों चाहिए? लिव जीने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, और फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपना काम भी कर सकते हैं, साथ में हम खेल भी सकते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें अपना फूड किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। वी हैव थ्री मील्स इन अ डे, थ्री मील्स होता है ना बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं मॉर्निंग में? ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के बाद क्या करते हैं बच्चों? लंच करते हैं, और लंच के बाद हमारा इवनिंग में क्या होता है बच्चों? डिनर होता है, ठीक है? तो इवनिंग में हम डिनर करते हैं, थ्री मील्स अ डे। नाउ वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू, इसमें क्या करना है बच्चों? जो करेक्ट ऑप्शन है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी करेक्ट है उसको इस तरीके से पेंसिल से डार्क करना है।
वी ईट फूड टू ग्रो, हमें फूड किस लिए चाहिए, टू ग्रो टॉल ओल्ड बूढ़ा होने के लिए, नो स्मॉल छोटा होने के लिए, नहीं बिग बड़ा होने के लिए, या टॉल लंबा, तो लंबा भी हम फूड से होते हैं ना, तो ग्रो बिग और टॉल, तो हम यहाँ पे टॉल भी लगा सकते हैं, लंबे भी होते हैं क्योंकि, और टू ग्रो बिग मतलब हमें बड़ा होना है तो हमें फूड की ज़रूरत है। वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से इनमें से क्या मिलता है बच्चों, तो एग्स मिलते हैं। डैश इज अ जंक फूड, बर्गर राइस मिल्क एप्पल, तो कौन सा है जंक फूड बच्चों, यहाँ बर्गर, बर्गर हमारा जंक फूड है। नेक्स्ट फूड गिव्स अस, फूड से हमें क्या मिलती है बच्चों, तो एनर्जी मिलती है फूड से, है ना, एनर्जी टू डू अवर वर्क और प्ले, हमें काम करने के लिए, साथ में खेलने के लिए। वी शुड हैव अ डैश डाइट, डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए, हेल्दी, ऐसा नहीं है कि रोज हम जंक फूड खाएं और बीमार हो जाएं। एट डैश वी हैव अवर लंच, लंच हमारा कब होता है बच्चों, तो नून, आफ्टरनून में हमारा क्या होता है, लंच होता है। फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले, फूड से हमें क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी, जिससे हम खेल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वी शुड ऑलवेज ईट डैश फूड, हमें हमेशा कौन सा फूड खाना है, हेल्दी, हेल्दी फूड ही खाना है। नेक्स्ट इज डैश आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए क्या सही नहीं है, तो जंक फूड, जो भी जंक फूड है वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। नाउ वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें प्लांट से फूड मिलता है या फिर एनिमल्स से मिलता है। नाउ जो स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, वहाँ टी लिखना है, जो गलत है वहाँ पे एफ लिखना है। तो चाउमिन पिज्जा बर्गर आर नोन एज जंक फूड, यस दे आर नोन एज जंक फूड। वी गेट मीट फ्रॉम प्लांट, मीट हमें प्लांट से मिलता है क्या बच्चों, नो वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स, ये गलत कह रहे हैं कि प्लांट से मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव थ्री मील्स इन अ डे, थ्री मील्स, हाँ तो दिस वन इज ट्रू। क्या क्या थ्री मील्स होती हैं बच्चों, ब्रेकफास्ट होता है हमारा, ब्रेकफास्ट के बाद लंच होता है, और लंच के बाद क्या होता है, डिनर होता है। नाउ वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, यस वी मस्ट च्यू अवर फूड वेल, हमें खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, यस। तो बच्चों आज आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है कि आप जो भी फूड खाओ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फूड जो है इसका सोर्स प्लांट है या एनिमल, मतलब वो फूड हमें प्लांट से मिला है या फिर एनिमल से मिला है, ठीक है। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसे करना अपने घर पे, जिससे हम क्या आइडेंटिफाई कर पाए कि प्लांट बेस्ड फूड कौन से हैं और एनिमल बेस्ड फूड कौन से हैं। ओके सो थैंक यू।